नमस्कार दोस्तों, फिर से लेकर आ गए बहुत सारी अपडेट कॉमेडियन कम्युनिटी से। तो वीडियो क्लास तक जरूर से देखना। सबसे पहले बात करते हैं समय रैना के बारे में। समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम में लाइव आकर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बताया। वे बताया कि सागर साथ से मिलकर वे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले, जो कि एक चेस इवेंट होगा, उसमें बहुत सारे कॉमिक्स भी शामिल होंगे। और इवेंट की खास बात यह भी होगी कि लगभग 400 दर्शक एक दूसरे के खिलाफ चेस खेलेंगे। देखो क्या बोला उन्होंने। हेलो 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 दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। एंड ये इसलिए है क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में जो भी मैंने और सागर शाह ने जितनी भी स्ट्रीम्स की है चेस की, जो भी किया है, इट हैज ऑल लेड टू दिस दैट वी आर हैविंग आवर ओन इवेंट। इट्स अ रियल लाइफ चेस इवेंट, बहुत ही हाई प्रोडक्शन है। सारे कॉमिक्स आने वाले हैं। बिस्वा है, तन्मय है, जोएल है, सुमित है, मानिक माना है, सुमित सौरभ है, एंड अनिल बान है, वैभव सेठिया है, मैं हूँ। तो भाई प्लीज ट्यून इन टू माय यूट्यूब चैनल टुमारो टू सी ऑल ऑफ दिस कॉमेडियंस प्ले ईच अदर इन रियल लाइफ इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। उसके अलावा 400 लोग फ्रॉम द ऑडियंस विल बी प्लेइंग ओवर देयर। सी यू। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि मुन्नार और फारूकी के बारे में। मुन्नार कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में लाइव आकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें मतलब कि ट्रोल करें। जैसे कि आप लोग भी ऑब्जर्व करे होंगे कि इंडिया में बहुत सारे सरकारी संस्थानों का क्या हाल रहता है, मतलब कितनी ज्यादा गंदगी फैली हुई रहती है। स्कूल, एयरपोर्ट और हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे पैसा लगाने के बाद भी गंदगी फैली हुई रहती है। तो उसी को ट्रोल करते हुए अपने फनी अंदाज में क्या बोले वो देखो आप। दिस इज सो गुड, ये सब चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये सारी जब चीजें लिखी जाती है ना, इस तरह की कवर योर नोज, प्रैक्टिस हैंड वॉश, ये सब यार ये पढ़ के अच्छा लग जाता है यार, मजा ही आ जाता है। मतलब ऐसा मजा ही आ जाता है ये सफाई वफाई देख के ना, लाइक मजा आ जाता है। हमने किसी को पे नहीं किया थूकने का, कोई पे डायरेक्टर नहीं था। क्या टाइमिंग था आंटी थूक के गई। आंटी आंटी तो फेमस हो गई भाई, आंटी तो आंटी वायरल हो गई। आंटी पता नहीं कौन सी थूक के चली गई। नेक्स्ट अपडेट जो है तन्मय भट्ट के बारे में। तन्मय भट्ट ने रिएक्ट किया एमसी स्क्वायर को। एमसी स्क्वायर आप लोग जानते होंगे हसल 2 के कंटेस्टेंट है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसको विराट कोहली ने भी फॉलो कर दिया। जिनके एक रील को तन्मय भट्ट अपने स्टोरी में डालकर किंग वाला इमोजी डाले, मतलब हसल 2 में सबसे बेस्ट मानते हुए एमसी स्क्वायर। नेक्स्ट अपडेट बात कर जो जाकिर खान के बारे में। जाकिर खान अपने फैमिली, मतलब मम्मी पापा और भाइयों के साथ अभी दुबई घूमने गए, जिसके कुछ क्लिप्स और पिक्चर्स भी डाले अपने इंस्टाग्राम आईडी, जो कि काफी क्यूट और इमोशनल भी था, जिसमें बसी भाई ने भी रिएक्ट किया। आप समझ ही सकते हो, मिडिल क्लास इंडियन का सपना होता है अपनी मम्मी पापा को विदेश घुमाना। उनके मम्मी पापा का जो प्यारा रिएक्शन वाला वीडियो था वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। इंडियन फ्लाइट से अलग है। अच्छा, कैसे? उसमें का ऐसा रहता है, इसमें तो टीवी भी सब था। ये तो जो सोई है या चकम्मा चादर आदर ओढ़ के बिल्कुल दुबई में उठी, आगे वो भी उठाया उसने। उसको भी कह रहे सोन दे रहे भैया थोड़ी देर और। मैंने कहा अभी से क्यों उठा रहा, 9 बजे आएंगे ना उठे। जी की पापा टाइम क्यों, मैंने कहा बजी तो 7 ही है, उठ जा। नहीं टाइम का भी फर्क रहता ना यहाँ का वहाँ। हाँ वो हो सकता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई मेरे को तो, है ना। सही बात है, सही बात है। देख मैं बैठे बिल्डिंग दिख रही है तुम, दिख रहे पानी पानी दिख रहे तेरा बिल्डिंग के ऊपर, देख कहाँ पानी लगा है बता। जिसमें बसी भाई रिएक्ट किया, ये बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू जाकिर भाई अपने परिवार को इतनी खुशियां देने के लिए, और हम जैसे को ये करने की हिम्मत देने के लिए भी। ये वीडियो मेरे लिए भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था, थैंक यू जाकिर भाई इसके तो लिए। आज के लिए इतने दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना मत भूलना। लगातार ऐसे कॉमेडियन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।